हाय, मेरा नाम है मयूख। आप देख रहे हैं चैलेंजिंग लाइफ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई स्टोरी के साथ, ताकि मैं आपको इंस्पायर और मोटिवेट दोनों रख सकूं। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 19 दिन में लगातार 5 गोल्ड मेडल लाने वाली हिमा दास के बारे में है, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हिमा दास को पूरे भारत में गोल्डन गर्ल के नाम से भी पहचाने जा रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि आज तक भारत की हिस्ट्री में कोई भी खिलाड़ी ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल नहीं ला पाए हैं। लेकिन हिमा दास ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज इस मुकाम तक पहुंची है और देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन दोस्तों, हिमा दास को इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं रहा है। आज हम जानेंगे किस तरह से हिमा दास ने इस मुकाम तक पहुंची है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में और अधिक डिटेल से। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जनवरी 2000 से, जब असम राज्य के नगाया जिले के डिंगी नामक एक गांव में हिमा दास का जन्म हुआ। उनका पिता का नाम रंजीत दास है, जो कि बहुत ही साधारण से किसान है। इसके अलावा उनकी माँ का नाम जुनाली दास है, जो कि खुद भी खेतीबाड़ी में हाथ बताती हैं और साथ ही साथ घर को भी संभालती हैं। और दोस्तों, हिमा के परिवार में अगर सभी लोगों की संख्या देखी जाए तो वो 16 जन हैं, और इसलिए आमदनी कम और खर्चा ज्यादा होने की वजह से उनके माता पिता को हमेशा ही गरीबी का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर देखा जाए तो हिमा दास की पढ़ाई लिखाई की तो उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गाँव के ही सरकारी स्कूल से की। स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्हें दौड़ नहीं बल्कि फुटबॉल का शौक था, और वो गांव के लड़कों के साथ एज अ स्ट्राइकर खेला करती थी। लेकिन एक बार स्कूल की टीचर के सलाह पर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, और फिर एक स्प्रिंट रनर के तौर पर वो काफी अच्छा करने लगी थी। और फिर इसी कड़ी में साल 2017 में हिमा दास गुवाहाटी के एक कैंप में हिस्सा लेने के लिए आई, और तभी उन पर नजर पड़ी निपुण दास की, जो कि एक कोच के तौर पर काम किया करते थे। और इसी कंपटीशन में उन्होंने देखा कि हिमा दास सस्ते जूते पहनने के बाद भी सबसे तेज दौड़ी थी, और तभी निपुण समझ गए थे कि हिमा के अंदर वो काबिलियत है जिससे कि वो भारत का नाम रोशन कर सकती है। और फिर यह सब देखने के बाद से निपुण हिमा के गांव गए और उनके माता पिता से रिक्वेस्ट किया कि वो हिमा को उनके साथ ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने दिया जाए। हालांकि खर्चों को सोचकर हिमा के पिताजी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन निपुण ने जब ये कहा कि हिमा की रहने और खाने का खर्च वो खुद उठाएंगे, तब हिमा के पिताजी मान गए। और फिर ट्रेनिंग के दौरान पहले दिन से ही हिमा दास का स्टेमिना देखने लायक था, क्योंकि फुटबॉल जैसे खेल में वो गांव के आसपास इतनी सारी टूर्नामेंट्स खेल चुकी थी, उन्हें एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फिर सबसे पहले कोच निपुण ने हिमा को 200 मीटर रेस की तैयारी कराई, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि वो 400 मीटर रेस के लिए परफेक्ट है। और फिर पूरी तैयारी करने के बाद से हिमा ने अप्रैल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उनके टीम फाइनल में 7वें स्थान तक ही पहुंच सकी। लेकिन आगे चलकर टेम्पियर फिनलैंड वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर रेस के अंदर फाइनल जीतकर वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली स्प्रिंटर बनी। और फिर यहां से शुरू हुई मेडल्स की कहानी, क्योंकि आगे चलकर वो 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाली एशियन गेम में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर ली थी। और इस तरह से हिमा दास अब भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने लगी। और दोस्तों, अभी हाल ही में 2, 7, 12, 17 और 20 जुलाई 2019 को महज 19 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम करके हिमा दास ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और यह मेडल्स पोलैंड और चेक रिपब्लिक में होने वाले अलग अलग टूर्नामेंट्स में उन्होंने हासिल की है। और दोस्तों, पिछले साल 25 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा हिमा दास को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अंत में बस यही कहना चाहते हैं कि हिमा दास ने जिस तरह कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, वो काबिलियत तारीफ है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो अपने बेहतरीन खेल से और भी गोल्ड मेडल भारत में लाएंगी। यह थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ये था आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी मोटिवेट और इंस्पायर रह सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे आने वाले नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।